चलिए आज आपको कूलिंग टावर घुमाता हूँ। अभी डीवीसी गेट पर एंट्री होना है। डीवीसी सर उतरते हैं। आगे से है क्या? वहां से बाइक से ना? उधर जाना है? नहीं, इसी में जाएंगे। दो कूलिंग टावर है, 500-500 मेगावाट का दो यूनिट। उधर जा लिया हम सर, उधर से आ जाइए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, जाइए। हाँ जाइए। चलिए हाँ, थोड़ा सा वीडियो बनाना है। चलिए ये देखिए, मशीन जो गर्म होता है उसको ठंडा करने के लिए पानी लगता है, तो पानी उसके चारों तरफ पाइप से सर्कुलेट किया जाता है मशीन के चारों तरफ, तो फिर वहाँ पानी वो गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो वो ठंडा होने के लिए वापस यहाँ आता है, और इसमें पतला पतला सा पत्थर लगा हुआ है बहुत सा ऊपर में, वो 10 से 15 फीट के ऊंचाई में, वो अंदर में 10 से 15 फीट का ऊंचाई में वो लगा रहता है। देखिए कितना पतला पतला पत्थर है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे पानी ऊपर से इतना छिद्रा छिद्रा के गिरता है कि वो एकदम बारिश की तरह गिरने लगता है, और भाप जो है गर्म भाप ऊपर से निकलता है, पानी ठंडा हो जाता है, वापस फिर मशीन की ओर चला जाता है। इसलिए इसका नाम कूलिंग टावर है, पानी को ठंडा करने वाला जो टावर है, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के अंदर का सीन कभी दिखाऊंगा, वो जबरदस्त सीन है, एकदम जम्मू कश्मीर की याद दिला देगा। कभी अगर आप घूमने को मौका मिले तो वहाँ देखिएगा, मैं अंदर का सीन कभी दिखाऊंगा आपको। ये अभी कूलिंग टावर देख लीजिए, जबरदस्त सीन, मजा आ जाएगा। इसमें नहाया जाए तो जबरदस्त मजा आ जाएगा, लेकिन पानी डुबाओ है, मुझे तैरना नहीं आता भाई। वाह, देखिए इसके चारों तरफ घेराबंदी है। अभी घास कटाई यहाँ ऐसा ही होता है, पूरा साफ सफाई नहीं है पूरा, फिर भी ठीक है, जो है काम चल जाता है, जितना जरूरत है उतना तो हो जाता है। चलिए ठीक है, जबरदस्त, क्या बात है। नहाने को दिल करता है लेकिन नहा नहीं सकता। ठीक इसी की तरह वो भी कूलिंग टावर है, पानी गर्म पानी आता है ऊपर से झरने की तरह गिरता है,
वहाँ से 10-15 फीट की ऊंचाई तक वो पत्थर लगा हुआ है, और वहाँ से फिर वो भाप निकल जाता है ऊपर, पानी वापस ठंडा होकर के नीचे, नीचे से पंप के द्वारा वापस वहाँ से चला जाता है। देखिए, वाह क्या बात, अंदर का सीन दिखाऊंगा आपको। आज बस इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद।